कौन सा पुस्तक हम सीख रहे हैं? बाइबल में 66 पुस्तक है, पुराने में 29, 29 कोड़े का यीशु ने, 29 पुराना नियम, नया नियम में 27 है, टोटल 66 पुस्तक है। कौन सा पुस्तक में हम आए हैं कौन बताएंगे? चैट में लिख सकते हैं। यस नम्रता हिब्रानी का शब्द, यस वचन, वेरी गुड, जोदा ताली बजाए नम्रता के लिए, प्रदीप मोरे के लिए, वैशाली मुकुल के लिए, दीपाली के लिए, यस वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा है मैन, ओके। और अभी कौन सा अध्याय में हम आ गया है, कौन सा अध्याय में हम आए हैं? हिब्रानी में कितना टोटल अध्याय है? 13। तो कौन सा अध्याय में अभी हम लोग सीख रहे हैं? आई थिंक दो बुधवार से हम सीख रहे हैं। कौन सा अध्याय है पर बताएंगे? लौकर लौकर, यस वैशाली मुकुल ने कहा, ओके 13 टोटल अध्याय है, पर कौन सा अध्याय में आज हम सीख रहे हैं? 12, वेरी गुड, वैशाली मुकुल के लिए ताली बजाइए, ग्रेस के लिए, कविता लखन के लिए जोरदार ताली बजाइए, 12 अध्याय, यस वेलकम टू हिब्रू चैप्टर 12, लाइक वी आर गोइंग टू लर्न दैट टुडे। ओके, आज का वचन का शीर्षक है बेहतर बनो कड़वा नहीं। कितने लोगों को कड़वा चीज अच्छा लगता है? करेला किसको पसंद नहीं है? तो प्रभु नहीं चाहते कि हमारी जिंदगी करेला जैसा कड़वा बने, पर प्रभु चाहते हमारी जिंदगी शक्कर जैसा मीठास से भरे, दूसरों के लिए एक आशीष बने। हालेलुया। तो आज का वचन जरूर हमको सीखना है, यही हमको यीशु जैसा बनाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, हिब्रियों 12 का कितना वचन वाक्य है कौन बताएंगे? हम नहीं वर्सेस आ दे हिब्रियों 12 में 29, जरा 29 वर्सेस, 29। हालेलुया, यस 29 कोड़े का यीशु ने, सो 29 वाक्य है। और हालेलुया, हम लोग पिछले हफ्ते 11 वाक्य तक देखा, आज हम 12 से 17 पढ़ेंगे, अगला बुधवार को 18 से 29 और इब्राहिम 12 खत्म, फिर 13 में लास्ट चैप्टर में हम जाएंगे। ओके, अब इब्राहिम 12 एक से तीन हमने देखा कैसा हम सब, जितने लोग यहाँ पर बैठे, जितने विश्वासी, हम सब क्या है? हम एक दौड़ में है, हमारा जिंदगी प्रभु का वचन एक दौड़ के समान तुलना किया है, हम सब एक बड़ा दौड़ में है। हालेलुया, और क्यों दौड़ रहे हम, किसके दौड़ रहे? ऐसे वैसे नहीं दौड़ रहे हम, हमारे मकसद की ओर दौड़ रहे, जिसके लिए यीशु ने हमें बनाया है, सिजाया, बुलाया और लगाया है। आमेन, इस दौड़ में प्रभु ने हमें लगाया है। हालेलुया, हमको दौड़ना है। आमेन, और इस दौड़ में बहुत सारे नियम है, विधियां है, हम उस विद्या के अनुसार दौड़ने के लिए हमको एक लाइफ कोच चाहिए, जो है यीशु मसीह। आमेन, तो प्रभु इसी इब्राहिम 12 में लिखा है, इससे उस उद्धार करता मीन्स आपके उद्धार विश्वास को शुरू करने वाला करता और पूर्ता की ओर देखकर आप दौड़ो, क्योंकि एक दिन हमको अनंतकालिक पुरस्कार मिलने में, अंत में हमको अनंतकालिक पुरस्कार मिलने वाला है। तो हम एक दौड़ में है जहाँ पर ऐसे ने हम दौड़ रहे हैं, क्योंकि इधर का जितना भी मुकुट है, कितना भी प्राइज है, जैसा हमारा अभी एक कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ है, स्पर्धा हुआ था, बड़ा स्पर्धा था इंटरनेशनल लेवल में, हमारे लोग भारतीय लोग ने बहुत सारे गोल्ड मेडल, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल्स को जीत कर आए हैं, उन्होंने हमारे भारत देश को बहुत ही शान दिया, बड़ा नाम दिया। हालेलुया, वैसे हम सब लोग यहाँ पर जो बैठे, हम सब यीशु के लिए बड़े बड़े गोल्ड मेडल, सिल्वर जीत कर आने वाला है, इसे हम सब एक दौड़ में है, और खुशी खुशी हम दौड़ में दौड़ेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। इब्रियों 12 एक से तीन दौड़ के बारे में सिखाता है, और 4 से 11 जो पिछले बुधवार को हमने सीखा, कैसा परमेश्वर हमें विधि या नियम के अनुसार दौड़ने को सिखाते हैं, क्योंकि वो हमारा लाइफ कोच है, तो हमें अनुशासन भी देता है, ताड़ना देते हैं, मारता भी है, क्योंकि हम उसका बेटा बेटिया है और वो हमसे प्यार करते हैं। हम माता पिता होकर हमारे बच्चों को ताड़ना देता है, अनुशासन में लेके आते, ताकि वो अच्छे उज्ज्वल भविष्य हो, क्योंकि प्रभु का बच्चा में लेके एक बच्चा ऐसे यू ही अपना छोड़ देंगे अकेला, वो क्या होगा? वो एक बोझ और बड़ा एक क्या बोलते हैं, लाइबिलिटी होगा अपने माता पिता के लिए। तो हमको उसको ताड़ना है, वैसे यीशु मसीह हमें ताड़ता है, ताड़ना देता है, अनुशासन में लेके आता है। ओके, आज हम क्या सीखेंगे 12 से 17? कड़वा मत बनो पर अच्छा बनो, अच्छा बनो। हालेलुया, और 3 चेतावनी, यस यहाँ पर लिखे करेला, बहुत सारी चीजें,
हम कौन सा चुनेंगे, हाँ मिठास वाला चीज या कड़वा वाला। कितने लोगों को करेला पसंद है, कोई लोगों को करेला खाना पड़ता है, डायबिटीज है ना, हालेलुया। परंतु हम सबको मीठा मीठा अच्छा लगता है, तो हम सब मीठा लोग है यहाँ पर, है कि नहीं। तो हम आज से कड़वा का जीवन गुड़वाए, हमको नहीं चाहिए कड़वा जीवन, हमको मिठास से बनना है। प्रेज द लॉर्ड। तो आज मिठास के बारे हम सीखेंगे, इब्राहिम 12:12-17। उसके बाद अगला हफ्ता, अगला बुधवार को इब्राहिम 12:18-29 लास्ट वाक्य हम सीखेंगे, दो पहाड़ के बारे में, सिनाई पर्वत और सियोन पर्वत के बारे में, वो भी बहुत सुंदर है, वो भी हम सीखेंगे। ओके, आज का शीर्षक है कड़वा मत बनो पर बेहतर बनो, डू नॉट बी बिटर बट बेटर एवरी डे, वो हम आज सीखेंगे, जिसको हम हमें यीशु के जैसा बनाएंगे। ओके, अब भी इब्राहिम 12:12-17 जो है वो तीन चेतावनी को हमें देते, थ्री एग्जॉर्टेशन या वार्निंग्स हमें क्या देते हैं, ये जो हम आज सीखने वाला है 12:17, ये 12, 13, 14, 15, 16, 17 मतलब 6 वाक्य में हमको तीन तरह की चेतावनी इब्रानी लेखक देता है। इब्रानी लेखक कौन है, वह नाम है, कोई बोलते पौलोस है, कोई बोलते नहीं दूसरा कोई है, कोई बात नहीं। किसके लिखा था, यहूदी विश्वासी, तो हम भी विश्वासी, हमारे लिए भी लिखा है। तो वो लेखक चेतावनी दे रहे, तीन तरह की चेतावनी, एग्जॉर्टेशन बोलते है, ये मत कर, ये मत कर, ये मत कर, क्या नहीं करना है, क्या करना है, आज हम सीखेंगे इब्रानी लेखक क्या बोलना चाहते हैं, परमेश्वर हमसे क्या बातें करना चाहते हैं। पहला वार्निंग हम देखते हैं इब्रानी 12:12-13। ओके, क्या है पहला वार्निंग, अपने दौड़ में फिट हो जाओ, दौड़ के तैयार हो जाओ, हार मत मान के बैठो, मत तैयार हो जाओ। दूसरा चेतावनी है करेला जैसा कड़वा व्यक्ति मत बनो, परंतु बेहतर बनो, प्रेमालु बनो, मिठास से भरा हुआ बनो, और लोगों से प्रेम करो और पवित्रता में रहो, वो हमें इब्राहिम 12:14-15 हम सीखने वाला है। बहुत सुंदर वचन है वो, हालेलुया, मुझे बहुत कुछ सिखाया है मेरे जिंदगी में। तीसरा चेतावनी है हमारे आत्मिक जीवन में हमको केयरलेस नहीं होना है, मतलब लापरवाही से जीवन नहीं जीना है, हमको सोच समझ के हमारी जिंदगी जीना है। कितने लोगों को पुरस्कार चाहिए, तो हमें क्या करेंगे, हम सोच समझ के जिएंगे। यूं ही जिएगा तो क्या होगा, आत्मिक जीवन नष्ट हो जाएगा, हम दौड़ से बाहर निकल जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, और फिर हम प्रभु के राज्य का लायक नहीं बनेंगे। इससे हमको लापरवाही से हमारा आत्मिक जीवन को नहीं जिया। देखो इस दुनिया के लोग कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, चलेगा, क्योंकि आखिर में वो लोग नर के आग में जाने वाला है, पर हम सब स्वर्ग में जाने वाला है। इसलिए हमको अनुशासन से बहुत ही अलग, दुनिया से अलग होकर जिंदा लोग के तरह, क्योंकि वो लोग सब मरे हुए लोग जितने दुनिया में है, वो लोग चल रहे, फिर रहे, फिर रहे यहाँ वहां, पर वो लोग सब मरे हुए लोग है, मरे हुए मछली, जिंदा मछली चीर कर आगे बढ़ता है, मरे हुए मछली गंदे पानी गंदे नाले में बहता ही जाता है। हेलो, हम सब जिंदे लोग है, जिंदा परमेश्वर का बच्चे है, इसे हमको लापरवाही से हमको हमारी जिंदगी जीना नहीं है। ये तीन चेतावनी के बारे में आज हम सीखेंगे, तो गौर से आप सुनिए, बहुत सुंदर बच्चे ने, हालेलुया। पहला चेतावनी, पहला चेतावनी क्या है, गेट फिट, हालेलुया, यू हैव टू गेट फिट, कम इन शेप, आई यू गेट आउट और कम इन शेप, मैन। तो हमको फिट होना है, तैयार होना है हमारा दौड़ में। कैसा तैयार होना है, देखो पहला समय जब हम दौड़ते हैं, कोई भी बच्चे हो बड़े हो, पहले दौड़ते तो बहुत स्फूर्ति से, वाह वाह, तो दौड़ते जाते हैं, हालेलुया, मकसद की ओर हम दौड़ते हैं। पर थोड़ी देर के बाद हम इधर उधर देखते हैं, कोई लोग हमारे आगे जाते हैं, कोई लोग गिर जाते हैं, ये सब देखकर, या कोई लोग स्टेडियम से कुछ गलत बातें बोलते हैं, अरे तू लायक नहीं है, तू जीतने वाला नहीं, ये सब सुन के हम निराश हो जाते हैं, हम हताश हो जाते हैं, फिर हमारा हाथ ढीला होता है, हमारा पाँव ढीला होता है, और कभी भी उधर ही गिर जाता है, कोई आपको देख के जाना पड़ेगा। तो इसलिए लेखक कहते हैं, नहीं तुमको ढीला नहीं होना है, तुमको उठने हैं। हम पढ़ेंगे इब्राहिम 12:12-13, गौर से सुनिए, सुनिए हिब्रू चैप्टर 12:12-13। इसीलिए ढीले हाथों और निर्मल घुटनों को सीधा करो। हाँ, ढीले हाथों और निर्बल घुटने को सीधा करो। अगर ढीला हाथ होगा तो क्या होगा, ऐसे हम गिर जाएंगे, और घुटना ढीला होगा तो क्या, नीचे ही गिर जाएगा। यस, तो उसको सीधा कर, उठो,
कम ऑन गेट अप, हाँ को सीधा करो, सीधा करो और अपने पाओ के लिए, अपने पाओ के लिए सीधे मार्ग बनाओ, सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक ना जाए, लंगड़ा भटक ना जाए पर भला चंगा हो जाए, भला चंगा हो जाए। प्रभु चाहते हैं हम भला चंगा हो जाए इस रेस में, हमको भला चंगा होकर जीना है। देखो बहुत सारे लोग रहेंगे जो आपको निराश करने वाला, आपको पीछे हटाने वाला इस रेस से। कोई बोला क्रिश्चियन बन गया है क्या, पैसा मिला क्या, लोग आपके कलीसिया से पैसा मिलते इससे तुम क्रिश्चियन बन गया। बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं पर हम उनका बातों को सुनने का है नहीं, हमको दौड़ना है, दौड़ना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे याद है एक अपोस्टल जी ने एक उदाहरण हमको बहुत साल पहले दिया था, कुछ कुछ याद है, देखता हूँ कितना याद है। ओके, बहुत सारे मेंढक लोग का रेस था, हालेलुया, बहुत सारे मेंढक लोग का रेस था। और ये मेंढक लोग को क्या करना था, वो एक बड़ा पोल एक लकड़ा था उसके ऊपर तक पहुंचने का, जो ऊपर पहुंचेगा उनको प्राइज मिलने वाला था। तो सब मेंढक दौड़ने लगा, जब वो दौड़ने लगा स्टेडियम से आवाज आया, ए तू मर जाएगा, मैं विधवा हो जाएगा, चल वापस आ जा। तो उसमें से एक तिहाई वापस आ गया, फिर वो फिर से जितना बाकी था वो लोग दौड़ने लगा। फिर और लोग बोलने, और दूसरा मेंढक बोला अरे तू जाएगा तो हमारा क्या होगा, तो थोड़ा लोग वापस आ गए, थोड़ा मेंढक और वापस आया। उसमें से सिर्फ एक ही मेंढक था जो ऊपर तक पहुंचता है और उसको प्राइज मिलता है, बहुत खुश हो जाता है, सब लोग ताली बजाते हैं। तो मीडिया वाली टीम आके बोलते हैं ए मेंढक तुमने कैसा भिन्न, ये लोग सब गलत गलत चिल्ला रहा था, कुछ बेकार चीजें चिल्ला रहा, फिर भी तुम ऊपर तक कैसा पहुंच गया। तो फिर वो ऐसा कर रहे, तो उन्होंने फिर उन लोगों को मालूम पड़ा कि वो मेंढक क्या था, गूंगा और बहरा था। हालेलुया, बहुत सारे टाइम हमको गूंगा और बहरा होना है इस दुनिया के बातों के लिए, लोगों के बातों के लिए, नहीं तो हम आगे बढ़ नहीं सकते। कोई ना कोई आपको पीछे करने की कोशिश करेंगे, लंगी मारने की कोशिश करें, पर हमको दौड़ में दौड़ना है। प्रभु कहते हैं कि इसका मतलब क्या है, ये शायद 35:3 से लिया गया है, इब्रानियों 12:13 जो हम पढ़ा अभी हम पढ़ेंगे, शायद 35 का 3। ढीले हाथों को दृढ़ करो, ढीले हाथों को दृढ़ करो, थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो, यस हालेलुया। तो यहाँ पर ये वचन से निकाला है इब्रानियों 12:12-13। ओके, तो प्रभु नहीं चाहते कि हम हार मानकर जब नीचे गिर जाए, हालेलुया। इसे प्रभु बोलते तू हार मत मान, डोंट क्विट, डोंट गिव अप। आपको हारने का नहीं, आपको पीछे नहीं हटने का, आपको आगे जाना है। जैसा ये मेंढक की तरह हमको गूंगा और बहरा होना है लोगों की बातों के लिए और आगे बढ़ते ही जाना है। क्रिश्चियन बन गया है क्या, सुनने का नहीं बोलने का नहीं, दौड़ते ही जाओ, दौड़ते ही जाओ। हाँ हमारा त्योहार तुम मनाता नहीं है, हाँ बपतिस्मा किया तुम जाके बपतिस्मा लिया, ये बहुत कुछ बोलेगा। हालेलुया, मेरे जिंदगी में मैं जब यीशु में आया बहुत सारे रिश्तेदार मेरे घर में आया मुझे गुस्सा करने के लिए, तुम कैसा गया ऐसा, मेरा माँ ने फोन किया तुम, हमने सुना है कि तुम मूर्ति पूजा छोड़कर ये मीटिंग में जाते, आजकल नया नया मीटिंग्स आया है तुम जा रहे, वो लोग सब आए एक एक ग्रुप आते थे हमारे घर में। हालेलुया, मैं सुन के लेते थे तो आप लोग कुछ बोलना है बाइबल लेके आओ, बाइबल के साथ मैं बातचीत करूंगा। आमेन। मेरे एक कजन था जो नन था, वो भी आए बोला सरीन तूने ऐसा क्या, हमारा मूर्ति पूजा कैथी को छोड़कर कैसा तू जा सकता है। आई टू सिस्टर मैं आपको आदर करता हूँ, बाइबल लेके आए, बाइबल के साथ मैं बात करूँ, उसके अलावा मैं बात ही नहीं करेंगे। तो हमको फोकस यीशु की ओर करना है, हमको पीछे नहीं हटना है। लोग आएंगे निराश करने वाला, पर इन लोगों को ध्यान नहीं देना है, हमको क्विट नहीं करना। तो प्रभु बोलते थोड़ा और समय, थोड़ा और समय दौड़ो, थोड़ी देर के लिए जो क्लेश है थोड़ी देर के लिए, हमें ये क्लेश को भूलना है। हालेलुया, तो हमको बोलकर आगे बढ़ना है। हल्का सा सब क्लेश जल्दी से निकल जाएगा, इसलिए हिम्मत ना हारो, तुम हिम्मत ना हारो, बोलिए हिम्मत ना हारो, तुम हिम्मत ना हारो। हल्का सा सब क्लेश जल्दी से निकल जाएगा, हल्का सा सब क्लेश जल्दी से निकल जाएगा, इसलिए हिम्मत ना हारो, तुम हिम्मत ना हारो।
ना हारो, क्योंकि आपका क्लेश कैसा है, हल्का सा सब क्लेश जल्दी से निकल जाएगा, हल्का सा सब क्लेश जल्दी से निकल जाएगा। ओके, हम पढ़ेंगे रोमालिया 8:18, पहले मैंने नहीं लिखा है, बाद में लिखा था, पढ़ सकते हैं रोमालिया 8:18। रोमन्स 8:18, हाँ ओके, उसके पहले फिलिपिन 8:6 भी है, फिलिपिन 8:6 पढ़ेंगे उसके पहले। और मुझे इस बात का भरोसा है, हाँ इधर पौलुस कहता है कि मुझे इस बात का भरोसा, पूरा भरोसा है, क्या भरोसा है उसको, जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु के दिन तक पूरा करेंगे। हम सब इस दौड़ में, कोई लोग कम लोग पीछे हटने वाला है, हालेलुया, वो बटके में आए, वो बटकाव में आएंगे, आ जाएंगे, पर हम सब जितने लोग यहाँ पर वचन भूखे और प्यासे जो इधर अंत तक बैठा हुआ है, आप भी उस दौड़ में अंत तक विश्वास योग्य रहेंगे, हालेलुया, आप नहीं निकल जाएंगे ऐसे ही, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जिसको वचन का भूखा प्यास है वो अंत तक रहेंगे, अंत तक सुनेंगे और अंत तक इस दौड़ में बने रहेंगे। आपके लिए जरा ताली बजाइए, हालेलुया। प्रभु बोलते हैं जो शुरुआत मैंने किया तेरे बारे में वो अंत तक मैं पूरा करेंगे, चिंता मत कर, मैं पूरा करेंगे तेरे दौड़ को, और जल्दी हम स्वर्ग भी पहुंचेंगे और बड़े बड़े चीजों को हासिल करेंगे, वहां पर पार्टी रहेंगे स्वर्ग में, पिकनिक रहेंगे, बहुत मजेदार, स्वर्ग बहुत मजेदार है, हालेलुया, आपके लिए बहुत कुछ इंतजार कर रहे हैं वहां पर। इसे प्रभु बोलते हैं कुरिन्थियन में, जो ना आंख देखा है ना कान सुने, किसी के चित में नहीं आया, जो प्रभु हमारे रखा है स्वर्ग में वो इंतजार कर रहे हैं हमारे लिए। तो अभी थोड़ी देर के लिए क्लेश झेल लो, बोलो एक दूसरे को, झेल लो, जो भी दुख आ रहे झेल लो, हालेलुया। एक्चुअली मुझे ओके, एफिशियों का 6:10 भी हम पढ़ेंगे, प्रभु क्या कहते हैं हमको, पौलुस क्या कहते हैं कि हमको कैसा रहना है, निदान प्रभु में और उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। प्रभु बोलते बलवंत बनो, ढीला मत बनो, अपने हाथों को ढीला मत कर, अपने पाँव को ढीला मत कर, बलवंत बनो, दृढ़ बनो, हालेलुया, हार मत मानो बस, हालेलुया, आमेन। अगर मिला है रोमाने 8:18 मिला है, कुछ भी कह रहे 8:18, ये भी बहुत सुंदर वचन है। प्रभु क्या बोलते हैं, जो भी है थोड़ी देर के लिए, जैसे हम लोग जब सफर में जाते हैं, बच्चे लोग बोलते हैं मम्मी कभी आएगा घर, पानी चाहिए, हमारा बॉटल सब पूरा खाली हो जाते, पानी नहीं है पीने को, ट्रेन में भी पानी नहीं है, हम लोग बोलते हैं अरे बच्चों को बोलते थोड़ा देर, अब भी हमारा घर आने वाले, थोड़ा देर सफर कर, फिर जब घर में आते हैं हम कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम सब दे सकते हैं, हालेलुया। वैसे प्रभु बोलते थोड़ा देर के लिए क्लेश है, हाँ वहां पर क्या लिखा है, क्योंकि मैं समझता हूँ इस समय जो भी आप अभी वर्तमान में जो भी दुख से आप झेल रहे हैं, दुख और क्लेश से आप जा रहा है उस महिमा के सामने, हाँ प्रभु बोलते जो महिमा, स्वर्ग की महिमा, और इस धरती में भी जो भी महिमा आपके लिए आने वाला है, जो आशीष आने वाला है, जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है, ये जो प्रॉब्लम है जो हम झेल रहे हैं कुछ भी नहीं है, तो जो आने वाला महिमा, आने वाला आशीष, स्वर्ग सब कब इतना भारी है और आनंद खालिक है जो हमको अनुभव करने वाला है, हालेलुया। तो थोड़ा सजा चलेगा, मजा ही मजा है, तो जो लोग को इधर मजा चाहिए, त्योहार चाहिए, पूजा चाहिए, दुष्ट आत्मा का पीछे भाग रहे हैं, अभी तो थोड़ा मजा, अच्छा अच्छा सज धज के जाएंगे, खाना खाएंगे, मजा करेंगे, पर बाद में आग में सजा ही सजा है, अभी मजा बाद में सजा, पर हमारे लिए थोड़ा सजा यहाँ पर, अंत में मजा ही मजा है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, देखो पौलुस कहते हैं कि हिब्रान 10:25 भी पढ़ेंगे, इधर जो लेकर लिखा है हिब्रान 10:25 में, हम कैसा हमारा दौड़ को अंत तक लेके जा सकता है, जब हमारा आंसू है हमको क्या करना है, हमको दूसरों का आंसू को पहुंचने का, encourage others and you will be encouraged, amen, दूसरों को उत्साहित करो, आप खुद उत्साहित होंगे। मुझे मालूम बहुत सारे टाइम जब क्लेश आते थे मैं क्या करेंगे, किसी को फोन करके उनको मैं उत्साहित करता था, तो मेरा प्रॉब्लम निकल ही जाता था, ऑटोमेटिकली निकल जाता था, इसे प्रभु चाहते हैं कि हम एक दूसरे को उत्साहित करें, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Hebrews 10:25, ओके, कैन यू गेट दैट ऑन द
साइरियस। क्या लिखा है इब्रू 10:25 में? प्रभु हमारा लाइफ कोच, हमारे पिता रहकर प्रभु हमें हारने को नहीं देंगे, आगे बढ़ाएंगे। हालेलुया। और प्रभु बोलते एक दूसरे को प्रोत्साहित करते जाओ। आमेन। एक दूसरे को प्रोत्साहित, अरे तू कर सकते, चल मैं भी हूँ इस दौड़ में, चल हम भागेंगे, हम हार नहीं मानेंगे। पति पत्नी एक दूसरे को बोल सकते हैं, हम हार नहीं मानेंगे, चलो हम जाएंगे। कभी अपोसिटी हमें बोलते हैं, यस हमको बड़े बड़े काम करना है यीशु के लिए और फिर स्वर्ग जाना है, स्वर्ग जैसे इधर जीना है और स्वर्ग में जाना है। एक दूसरे को उत्साहित कीजिए, बच्चों को उत्साहित कीजिए, माता पिता को उत्साहित कीजिए। हमें उत्साहित करते करते हमारे दिन कट जाएंगे, ये दौड़ कट जाएंगे और जल्दी से हम स्वर्ग निकल जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, पढ़ेंगे इब्रानियों 10। और एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। जैसे जूम मीटिंग में, संडे मीटिंग में हम लोग इकट्ठा होते हैं तो उसको छोड़ने का नहीं लेकर कहते हैं, क्यों? और क्योंकि जैसे कि हाँ बहुत लोग, हाँ जैसे कि कितनों की रीति है, कितनों का रीति है, क्या रीति है कि वो लोग कलीसिया नहीं जाते, आते हैं जूम मीटिंग नहीं आते, आएगा तो भी जूम मीटिंग में थोड़ा देर सुनेगा, अच्छा गीत है, अच्छा है, लोग आया है, फिर निकल जाते जल्दी, क्योंकि उनको वचन के लिए भूखा प्यास ही नहीं है। हालेलुया। इसलिए अपन को हल्का से नहीं लेना है, परंतु हमको क्या करना है, हमको इकट्ठा होने का है, जूम मीटिंग में हो, कलीसिया में हो, हर संडे हमको आने, एक संडे भी मिस नहीं करने का है। नहीं तो शैतान एक संडे मिस करेगा, दूसरा संडे भी मिस करवाएंगे, तो हमको एक संडे भी मिस नहीं करना है, हमको आते ही जाने का, हमको इकट्ठा होना है। और क्या होगा, एक दूसरे को क्या करने का, एक दूसरे जब हम मिलते हैं, हम जब मिलते हैं कलीसिया में, जूम में, हमको क्या करना है, एक दूसरे को समझाते रहना है, उत्साहित करते जाना है। हाँ, जो जो उस दिन का निकट, जो जो यीशु मसीह आने का दिन निकट आ रहा है, और भी अधिक ये किया करो, क्या किया करो, उत्साहित कर किया करो, समझानो, समझाओ, इकट्ठा होते किया करो। हालेलुया, ये सब करते जाना है। प्रेज द लॉर्ड। फिर हम कभी भी हार नहीं मानेंगे। आमेन। और दूसरा बात है, कभी जब थक जाते हैं, जब पहला बहुत स्फूर्ति से भागते हैं, जब थक जाते हैं, सबका एक एक लाइन रहता है, अभी ये लाइन छोड़कर हम दूसरों के लाइन में जाके बीच में अड़चन डालते हैं, तो वो लोग जो पीछे से आ रहे हैं वो लोग को अड़चन है, अरे ये मेरा लाइन में क्यों आग घुस गया, तो हमको दूसरों के लिए टोकर का कारण नहीं बनना है। वो लोग दौड़ रहे हैं, वो लोग दौड़ने दो। आमेन। हमको दूसरों के लिए टोकर का कारण नहीं बनना है। अगर कोई कलीसिया में जा रहे, अरे कलीसिया में मत जा, चल घर पे बैठ, आज मैं भी बैठ रहा हूँ, तू भी बैठ जा मेरे साथ, नहीं अरे मेरे को आज नहीं आ सकते कुछ वजह है, पर तू जा, दूसरों को हम प्रोत्साहित करना है कलीसिया में जाने के लिए। कभी भी किसी को पीछे नहीं हटने, क्योंकि एक दिन हमको ये सब बातों के लेखा देना पड़ेगा। मुझे मारे कभी भी दूसरों लोग दशमांश देते, अरे दशमांश क्यों दे रहे हैं, नहीं देने का, पहला फल वगैरह कलीसिया में नहीं देने, किसी को भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, जो प्रभु का वचन है वही हमको करना है। मेरे को भी बहुत सारे लोग, जब मैं जिस कलीसिया में जाते थे, मैं दशमांश देते थे, पहला फल देते थे, भेंट देते थे, क्योंकि मैं बाइबल पढ़ते थे, मैं देखता हाँ ये देना है, ये देना है, ये देना है, गरीब को देना है, इसको देना है, पर जो प्रभु का है प्रभु को देना है, जो कैसर का है कैसर को देना है, गवर्नमेंट को टैक्स देने का है, जो गरीब को देना है गरीब को देना है, गरीब का इधर यीशु का पैसा, कलीसिया का पैसा लेके गरीब को नहीं देते, गरीब का पैसा लेके यीशु को नहीं, नहीं हमको कंफ्यूज नहीं होना है, हमको जैसा सिखाया वचन में वैसा हमको करते जाने, करते ही जाना है, कलीसिया में आते ही जाने का है, दशमांश देने का है, जो हमको करने का कलीसिया में वो करना है। हालो इधर उधर हम करेंगे, हम जैसा सोचे, अरे हमको ऐसा अच्छा लगता है, हमको जो अच्छा लगते है नहीं, यीशु का वचन में क्या लिखा है वैसे फिर ही हमको आशीष मिलेंगे। हम जैसा अच्छा लगते करेगा तो क्या होगा, आशीष मिलेगा ही नहीं। फिर बोला अरे हमारा आशीष क्यों नहीं आता है, क्यों जॉब नहीं लगता है, क्यों जॉब में आशीष नहीं लगता है, क्योंकि आप प्रमाण प्रभु का वचन की तरह नहीं सुनते, लोगों की बातों को सुनकर बैठा है, इसे आशीष आता ही नहीं है। आमेन। जब हम कलीसिया में आते हैं, हमारे पास्टर के आत्मिक माता पिता की बातों को सुनता है, आज्ञाकारी करते हैं, उनका विरोध नहीं बोलते हैं, विरोध नहीं जाते हैं, क्या होगा, जरूर आशीष आएंगे। हम बोलते हैं ना, अरे हम मम्मी पापा का बातों को सुनो, तेरा जिंदगी अब तुम्हारा भविष्य अच्छा होएगा, तो हमको जो हमारा पालक है उनको बात को हमको मानना है, उनके उनके वचन, उनके वो वचन जानते हैं, वो यू ही नहीं तो आपको भटकाएंगे। हालेलुया। तो हमको वचन के अनुसार जीना है और दूसरा का ट्रैक में नहीं जाना, दूसरों के लिए टोकर का कारण नहीं बनना है। हालेलुया। हमारा पटरी पर हमको चलना है। जैसे कितने
समय हम देखते हैं जब हम रेलवे में थे, बहुत सारे न्यूज आते थे, ये ट्रेन पटरी से निकल गया और बड़ा लिस्ट है, इतने लोग घायल हो गए, इतने लोग मर गए। हमें हमको पटरी में चलने, हमको वचन में चलना है, जैसे यीशु कहता है उसमें चलने का, हमको इधर नहीं जाने का, उधर जमने मारने का। हालेलुया, जो प्रभु बोलते हैं हमको वही करना है। हम दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बना, उनको प्रोत्साहित करना आगे बढ़ने के लिए, हम उनके लिए टोकर का कारण, किसी के लिए टोकर का कारण नहीं बनना है। पहला वार्निंग क्या है, पहला चेतावनी क्या है, एग्जॉर्टेशन कि फिट रहो रेस के लिए और पीछे मत हटो, हार मत मानो, गिरो मत, बढ़ते ही जाओ। ओके, अभी दूसरा वार्निंग क्या है, ये क्या बोलते, कड़वाहट से मत भरो परंतु बेहतर हो जा, अच्छा हो जा। करेला जैसा कड़वाहट से भरो मत पर अच्छा हो जा। हम पढ़ेंगे इब्राहिम 12:14-15, ध्यान पूर्वक सुनिए। हिब्रू 12:14-15, यस, क्या लिखा है वहां पर, सबसे मेल मिलाप रखने। वाह, सबसे मेल मिलाप रखने, सबसे मेल मिलाप माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ, पति के साथ, पत्नी के साथ, सास के साथ, बहू के साथ, दामाद के साथ, अड़ोस पड़ोस के साथ, कंपनी में जो लोग काम करते उनके साथ, सबके साथ, रिश्तेदार के साथ। हालेलुया, सबके साथ कैसा रहना है, मेल मिलाप रखना। और दूसरा क्या है, दो चीज है, मेल मिलाप रखो, दूसरा उस पवित्रता की खोजी, पवित्रता का खोजी बनो, उसका पीछे करो, पवित्र हो जिसके बिना, क्योंकि दुनिया में बहुत सारा लोग है, दुनिया के लोग है, ये इंस्टाग्राम, ये वो टेलीग्राम, ये देखो आजकल का फैशन देखो, ये देखो पब में जाएंगे, हुक्का पार्लर में जाएंगे, इधर करेंगे वो करेंगे, व्यभिचार में जाएंगे, ये इसका गर्लफ्रेंड उसका गर्लफ्रेंड, तीन तीन गर्लफ्रेंड, तीन तीन बॉयफ्रेंड, पति भी है दूसरा भी है, दूसरा आदमी भी है दूसरा औरत भी है, ये सब नहीं चलेगा। दारू भी पी सकते, नहीं चलेगा। हमको पवित्रता के पीछे हमको जाना है, दो चीज, मेल मिलाप में रहना है, पवित्रता की खोजी बनना है। हालेलुया, ये हर दिन ये वचन बोलो, इब्राहिम 12:14 सबसे मेल मिलाप रखो और पवित्रता के पीछे चलो, पीछे चलो, एक दूसरे अपने आप को बोले हर दिन में ये वचन बोलता है, मेरे अपने आप को सबके साथ मेल मिलाप रखो और पवित्रता के पीछे चलो, तो क्या होगा, ऐसे लोग ही क्या होगा, क्या लिखा आगे, ऐसे प्रभु की पवित्रता की खोजी करो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि, क्या लिखा है, ये दोनों के बिना कोई भी प्रभु का कदापि नहीं देख सकता। आप प्रभु को देख ही नहीं सकता, कौन लोग प्रभु को देख नहीं सकता है, जो मेल मिलाप में नहीं रहता है, सबसे साथ कड़वाहट, गुस्सा, भैर, चुगली, ये वो करेगा, और जो पवित्रता का पीछे नहीं करेगा वो लोग प्रभु को देखेगा ही नहीं। यू कैनॉट सी द लॉर्ड इफ यू डोंट हैव पीस विद पीपल, इफ यू आर नॉट लिविंग इन लविंग काइंडनेस विद पीपल एंड यू नॉट फॉलोइंग होलीनेस, यू विल नॉट बी एबल टू सी द लॉर्ड। मुझे ये वचन जब आते मैं बहुत डर जाता है, तो प्रभु नहीं, ये दो चीज मेरे को करना है। अब मुझे मालूम नहीं, ये वचन में सिखाने वाले था, मुझे मालूम नहीं था, जस्ट दो दिन पहले मैंने ये स्टडी कर रहा था, उसके पहले दो दिन पहले जब सुबह 3 बजे उठा प्रार्थना करने के लिए, आई थिंक लेट उठा उस दिन, तुरंत प्रभु मुझे दो चेहरा दिखाया, बोला तुरंत इन लोगों को फोन कर और सॉरी बोल। मैं तो सॉरी बोलू क्यों परमेश्वर, और फिर प्रभु पूरा दिन में बोला नहीं करेगा, परंतु अंत तक प्रभु मुझे मेरा पीछे लगा, सॉरी बोल। फिर मैं फोन उठाकर उनको बोला, सॉरी यार मैं कुछ आपको दिल दुखाया, मैंने कुछ बोला, मुझे सॉरी क्षमा मांगा। हालेलुया, फिर मेरे को बहुत अच्छा लगा, प्रभु बोला वाह सेलिन, जो तुम मैंने बोला तू वैसे करा, बहुत अच्छा। तो हमको क्या करना है, किसका पीछे चलना है, मेल मिलाप का पीछे चलना है, और दूसरा किसका पीछे चलना है, पवित्रता, ये दोनों चीजों के पीछे चलना है, पवित्रता मेल मिलाप, पवित्रता मेल मिलाप, इसके पीछे चलना है। यस, कभी भी हम पवित्रता से दूर भागते हैं, दूर जाते हैं कभी भी, कि लोग के बातों में आकर हम गुस्सा, कड़वा, चुगली या गंदे रिश्ते में चल जाते हैं या दारू पीने में जाते हैं, परंतु हमको उधर नहीं, हमको वापस आने के, नहीं प्रभु मुझे पवित्रता चाहिए, सॉरी प्रभु मैंने बहुत गलती किया, मैंने गुस्सा किया,
मैंने करवाट रखा, मैंने गंदी चीजें किया, मुझे क्षमा कर। मैंने मीडिया सोशल मीडिया में बैठकर बहुत घंटों घंटों वापर गया, बाइबल नहीं पढ़ा, पर सोशल मीडिया में ज्यादा टाइम मैंने फोकस किया मोबाइल देखते हुए, प्लीज मुझे सॉरी, मुझे क्षमा कर। मैं तो दो चीज हमको क्या पीछे करना है, प्रभु क्या बोलते हैं, अगर प्रभु का चेहरा देखना है आमने सामने, दो चीज हमको क्या करना है, हमको मेल मिलाप रखना है। नहीं सिस्टर मेल मिलाप नहीं रखेंगे, तुमको मालूम है मेरा सासू ने क्या बोला, हर टाइम चिड़चिड़ करते हैं, ये करते हैं, मेरा गाली देते हैं। प्रभु वो नहीं देखा कि वो क्या करते हैं, वो कुछ भी करने दो। मेरा पति ना बहुत मुझे बहुत सताते, पैसा भी नहीं देते, कैसा हमारा घर चलाएंगे। हाँ मेरा पत्नी मेरे को बहुत शक करता है, कुछ भी करने दो, फिर भी आपको मेल मिलाप रखना है, सबके साथ मेल मिलाप। जहां पर सॉरी बोलना है, क्षमा मांगना है, क्षमा मांगो। हालेलुया, हमको प्रेम में रहना ही है। पहला क्या है, मेल मिलाप, उसका मतलब प्रेम, सारे मनुष्य के साथ प्रेम में रहना है। हालेलुया, जब प्रभु देखता है कभी हम गुस्सा या करवाट करते, प्रभु का दिल दुखता है, पवित्र आत्मा का दिल दुखता है जब हम गुस्से से बात करता है, शानापन करते हैं, किसी को मारते हैं, दारू के लिए जाता है, या कुछ भी गलत करते हैं, शक करते हैं, हम मारते हैं, कुछ भी करते हैं ना, प्रभु का दिल दुखता है। पवित्र आत्मा जो हमारा अंदर है वो खेदित हो जाता है, खेदित होता है। इससे पवित्र आत्मा बार बार बोलते हैं, क्षमा मांगो, क्षमा करो, क्षमा मांगो। जैसा तुमने क्षमा मिला यीशु परमेश्वर से, वैसे तुम एक दूसरे को क्षमा करो। आपको मैंने सबसे खतरनाक भावना, बहुत सारे भावना है, गुस्सा कर ये सब, सबसे खतरनाक भावना या सबसे पॉइजन टॉक्सिक या पॉइजनस भावना क्या है, क्या है, कड़वाहट। कड़वाहट क्या है, इमोशनल कैंसर है, वो भावना ही कैंसर है, आपके अंदर आकर आपको कोकला करेंगे अंदर से। आमीन, कड़वाहट अंदर, कड़वाहट, हालेलुया। ये कड़वाहट है, क्या है, वो हमारा आनंद के मोमबत्ती को वो उड़ा देते हैं और हमें पूरा अंधकार में डुबा देते हैं। हालेलुया, ये कड़वत कैसा शुरू हो गया, छोटा सा बीच, छोटा सा बीच, किसी ने हमको गुस्सा से बातें किया या हमको प्रेजर ऑन नहीं किया, छोटा सा बीच गुस्सा आ गया। या बचपन में हमारा माता पिता हमसे अच्छा नहीं व्यवहार किया, गंदा व्यवहार किया। जॉयस मेयर, बाप रे, उसका पिता ने क्या किया, उसको शोषण किया, गंदा चीज किया उसके ऊपर, परंतु जब वो ये उसको बहुत कड़वाहट था, अपने पिताजी को क्षमा नहीं कर पाया, इसको मैं छोड़ेगा नहीं, ओ, इसका वजह से मेरा पूरा जिंदगी बर्बाद हो गया, पूरा मेरे को नींद नहीं आते, मेरे को गंदे गंदे सपने आते, इन पिताजी मेरा ऐसा कर दिया। पर आपको मालूम है, जब वो यीशु में आए, यीशु बोला पहला जॉयस, तेरा पिता को क्षमा कर। बोले इस पिता कैसा पिता मिला, मैं कैसा क्षमा कर सकता हूँ, पर वो उसका पुस्तक में लिखा है, जब वो अपने पिता को क्षमा किया, पापा मैं तुझे क्षमा करता, तुमने मुझे बहुत गंदे चीज किया, पर मैं तुझे क्षमा करता हूँ। और जॉयस पे नहीं, ये पिता को यीशु में लेके आया, उसको उसको बपतिस्मा, वो और उसके पति उसको बपतिस्मा भी दिया, वो मर गया शांति से। हालेलुया, वो बहुत रोया वो पिताजी, हालेलुया, क्योंकि वो लोग शैतान के वंश में, उनको नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। हमें क्या करना है, दूसरों से प्रेम करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जब हम प्रेम में रहते हैं सब कुछ अच्छा होएगा। हालेलुया, मुझे याद है एक कहानी में पढ़ रहा था, एक बहू और सास का। ये बहू बोला, ये सास को ना ये बहुत मुझे बहुत सताते, मैं इसको मार डालेंगी। तो ये बहू क्या करते हैं, वो चाइनी चाइना में था, वो चाइना में एक बुजुर्ग औरत के पास जाता है और उसको बोलते हैं, अरे मेरे को ऐसा एक जड़ी बूटी दे जो मैं उसके खाने में खिला के उसको मार डालना चाहता है। बोले अरे बहुत सिंपल है, 7 दिन में तेरा सासुमा निकल जाएगी इस धरती से। हाँ बहुत अच्छा, पर आपको एक काम करना, ये लो एक जड़ी बूटी, ये लो और तुम्हारे सासुमा का खाने में हर दिन थोड़ा थोड़ा डालते ही जाओ, परंतु तुमको उसको शक देने का नहीं कि तुमने कुछ डाला है, तुमको उसको बहुत प्रेम से व्यवहार करना है, जो सासुमा बोलेगा वैसा ही करने का। हाँ वो तो मैं करूंगा, कोई बात नहीं। तो उसको जड़ी बूटी दिया, घर पे लेके आया, बहुत खुशी खुशी, अभी ये सासू निकल जाएगा मेरा जिंदगी से। वो क्या करते हैं, हर दिन सुबह माँ को सासू माँ से बहुत प्यार से बात करते, सासू मैं क्या करूँ, सासू बोला ये बना, ये खाना बना, वो बना, घर साफ रख, वो सब कुछ करने लगा। उसके लिए बहुत सारी चीजें लेके आया सासू माँ को, कुछ किया कुछ किया, पर हर दिन उसका कार्य में जड़ी बूटी ये पॉइजन डालते थे हर दिन। फिर चटवा दिन आया, परंतु वो देखा कि नहीं, मेरा सासुमा
ससुमा भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करने लगा। जब वो भी अच्छा व्यवहार किया, वो सुनने लगा सासुमा की बात, सासुमा भी उसके साथ कैसा रहा, बहू के साथ अच्छा व्यवहार करने लगा, वो प्रेम से व्यवहार करने लगा। बोले सचमुच मेरा सासुमा ऐसा बुरा नहीं है, वो बहुत अच्छा है, खाली फुकन मैंने उसके साथ लड़ाई करता था, हम लोग क्यों लड़ाई है, शैतान ही हमको लड़ाई करता था। अरे मैं नहीं चाहता मेरा सासुमा मर जाए प्लीज, अरे बाप रे अभी दो ही दिन बाकी, आज पांचवा दिन है, दो ही दिन है, मेरा सासुमा नहीं मरने का, मैं जाता हूँ उस बुजुर्ग औरत के पास। वो जाते बुजुर्ग, प्लीज कुछ तो करो, मेरे को मेरा सासुमा नहीं बनना है, वो मेरे माँ जैसा बन गया, मैं उसे बहुत प्यार करता है, हम लोग अभी बहुत अच्छे अच्छी बातें करते हैं, हम लोग बहुत प्यार में रहते हैं। ऐसा क्या, पर तूने बोला तुम उसको मार डालने, नहीं मुझे मार नहीं डालने का है, मुझे मेरा माँ चाहिए, मेरा सासुमा चाहिए वापस। अरे कोई बात नहीं, मैंने जो जड़ी बूटियां दिया वो जड़ी है, वो पॉइजन नहीं था, वो मल्टी विटामिन पाउडर था, हालेलुया तुम्हारे सासुमा और तंदुरुस्त हो जाएगा, तो जाओ, मैं यही चाहता कि तुम लोग दोनों प्रेम में रहे। हालेलुया, जब हम प्रेम से व्यवहार करेंगे, हम एक आईना है, दूसरों भी हमारे साथ प्रेम में व्यवहार करेंगे तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक हम सोचते वो प्रॉब्लम है। तो बहू है तो हमको प्रेम से रहने का, सासुमा से, सासुमा है तो हमको प्रेम से हमारे दामाद के साथ, हमारे बहू के साथ रहना है, सब प्रेम में रहना है, क्योंकि प्रभु का वचन में क्या है, बिना मेल मिलाप बिना पवित्रता कोई भी परमेश्वर का चेहरा को देख ही नहीं सकते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि हम मेल मिलाप में, हम पवित्रता में रहने के। हालेलुया, तो शुरुआत किधर है, छोटा सा गुस्सा, और वो गुस्सा क्या करते हैं, अंदर जाते हैं, जड़ पाते हैं, वो ऐसा मिट्टी चाहिए जहां पर उसको परवरिश होते है। तो मिट्टी क्या है, लोग आके बोलेगा हाँ सही है, थोड़ा और आप और झगड़ा करो तुम्हारा पति के साथ, और पत्नी के साथ झगड़ा करो, वो बच्चे को छोड़ो मत, वो बहू को छोड़ो मत, हमें दूसरे लोग आके आपको प्रेरणा देते हैं, हाँ ऐसे ही कर, पैसे के विरुद्ध बातें कर, ऐसा कर। हालेलुया, तो आप क्या क्या होते हैं, वो बीज को बढ़ने के लिए मिट्टी मिल जाते हैं, शैतान भी बहुत खुश है। हालेलुया, फिर क्या होता है, इसका वजह से वो ये क्या होता है, बड़ा जड़ आता है, कड़वाट का जड़ पैदा होता है। हालेलुया, कड़वाट का जड़ जब पैदा होता है, वो क्या लेके आता है, वो पेड़ को लेके आते हैं, फल को ले, क्या फल लेके आते हैं, फिर आप देखते हैं कि अरे बहुत पैसे का प्रॉब्लम, आर्थिक पैसे का प्रॉब्लम हो गया, जॉब बराबर चलता नहीं है, मेरा जॉब निकल गया। हालेलुया, क्योंकि आपने शैतान के दरवाजे खोल दिया कड़वाट के वजह से, उसका वजह से अभी डिप्रेशन में हो गया, बहुत सारी चीज आने लगा आपका जिंदगी में, और आत्मिक जो उन्नति करना है, आत्मिक हम क्या हो गया, घटने लगा, परमेश्वर हमारे बीच में अभी कोई प्रेम नहीं है, वचन पढ़ने के कोई मन नहीं है, क्यों, क्योंकि कड़वाट को हमने हमारे जिंदगी में लेके आया। हालेलुया, इसे प्रभु बोलते सारे मनुष्य के साथ प्रेम में मेल मिलाप में रहो, चाहे वो पड़ोसी आकर पूरा कचरा आपके घर में डालते हैं, कोई बात नहीं, आप जाके मिठाई का पेटी लेके उसको दो, ये लो भाई, हालेलुया, तुम कचरा डाला कोई बात नहीं, ये लो मिठाई का डब्बा, वो क्या करेगा, अगला बार उस कचरा डालेंगे नहीं, बोला अरे बाप रे इसको मैं भी मिठाई का पेटी लेके आएंगे इसके लिए, इसको मैं बुलाएंगे अपने घर में कारण है, फिर दोनों का दोस्ती पक्की। हालेलुया, मेरे जिंदगी में बहुत सारी चीज ऐसा हुआ जहां पर मैं कड़वाहट से भरा हुआ था। हालेलुया, मैं कभी सोचा रही ये व्यक्ति मेरा बुरा किया, मैं उसका बुरा करेंगे, पहले मैं बहुत ऐसा था, बहुत गुस्सा वाला था, जिसका वजह से कड़वाहट मेरे अंदर आया, कड़वाट की वजह से मैंने दरवाजा खोला शैतान को आकर, आबेल मुझे मार, मैंने बहुत सारी बीमारी मेरे जिंदगी में आने लगा, फिर प्रभु मुझे सिखाया शरीन तुझे बदलना है। हालेलुया, यस प्रभु, यस सर, बदलने के तैयार है, सबसे क्षमा मांगो, सबको एक लिस्ट बनाया, सबके लिए मैंने प्रार्थना किया, हालेलुया, सबको क्षमा किया, उनका कोई लोग को मैं जाके फोन करके उनको क्षमा मांगा, मैंने जैसा पवित्र आत्मा मुझे बताया मैंने मेल मिलाप करने लगा सबके साथ मेल मिलाप। तो हम अपन को अपना अकाउंट परमेश्वर के साथ क्लियर रखने का, लोगों के साथ क्लियर रखना है। मुझे याद है एक कहानी, एक बार एक आदमी को कुत्ता, पागल कुत्ता काटा, वो गया हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास, डॉक्टर बोला अरे बाप रे तेरे को तो बहुत डेंजर हो गया, तेरा पागल कुत्ता काटा ना, अभी तू पागल कुत्ता का जैसा बनकर तुम मर जाएंगे। अच्छा ऐसा है, तो क्या करते, एक बड़ा पेपर लिखते है, पेपर में सबका नाम लिखता है, तो डॉक्टर बोलते अच्छा सबको क्षमा मांगने वाले हैं मरने के पहले, नहीं नहीं क्षमा ने, ये लोग ने बहुत सताया मुझे, इन सबको मैं काट के ही मरेगा, तो मैं भी मर जाएंगे, ये लोग भी कुत्ता जैसा मरना है। हालेलुया, बहुत सारे लोग ऐसा है, कड़वाहट, विश्वासी है पर अंदर कड़वाहट, कड़वाहट, वो लोग अच्छे लोग है पर क्या होते हैं,
क्योंकि छोटा छोटा बीज शैतान आके बीज फेरता है और वो बड़ा बड़ा जड़ होता है। आई मीन कितने लोग हैं जो अपने माता पिता को अभी तक क्षमा नहीं करा, वो छोटा करवट अंदर फंसा है, इसे अभी भी वो लोग क्या होते हैं, वो लोग जल्दी चिंतित होते हैं, वो लोग डिप्रेशन में चला जाते हैं क्योंकि वो जगह अभी भी कड़वाहट है। क्योंकि कभी भी ये जो कड़वाहट है, बिटरनेस, क्या करते हैं, तीन चीज करते हैं। पहला क्या करते हैं, वो हमें धोखा देते हैं, डिसीज, बिटरनेस विल डिसीव अस, वो हमें धोखा देते हैं। वो बोलते नहीं नहीं तू जो करते सही कर रहा है, तू ना वो पिताजी को माफ मत कर, तो माँ को माफ मत कर, बहुत मारा तुझे, ऐसा गंदा किया, मत माफ कर, छोड़ने का नहीं लोगों, तो वो हमें धोखा में रखता है, प्रभु से प्रेम से दूर रखता है। दूसरा बिटरनेस डिफाइल्स अस, वो हमें जब कड़वाहट अंदर आता है वो हमें अशुद्ध करता है, ना ही हमको अशुद्ध करता है, हम दूसरों को भी अशुद्ध करते हैं। क्या करते हैं हम, क्या करते हैं जब हम कड़वाहट है किसी के साथ, अगर मुझे कुछ कड़वाहट है, मैं बोले ये देख इधरा इधरा ये ना ये बहुत गंदी है, बहुत गंदा है, इससे बात मत कर, मैं चाहते हैं कि सब लोग मेरा साइड में आ जाए, मेरा पक्ष में आ जाए और वो सब इसके साथ कड़वाहट करे, आमीन। तो मैंने क्या किया, मैं खुद ही गंदा हो गया, मैं अशुद्ध हो गया और दूसरों को भी क्या किया, अशुद्ध किया। जितना पॉइजन मेरे अंदर था, मैं दूसरे के मन में भी पॉइजन डाला इसके प्रति, तो सब लोग अभी इसके प्रति कड़वाहट रखता है। हालेलुया। हमको क्या करना है, अगर कोई हमको कुछ किया है, किसी को मत बताओ, किसी को मत बताओ, करी प्रभु, प्रभु आप देखा है किसने उसने मुझे इतना सताया प्रभु, तो मुझे प्रेम दो उसको क्षमा करने। बहुत जब से प्रभु ने मुझे सिखाने लगा पवित्र आत्मा, हर वक्त मैं ये प्रार्थना करता हूँ। फिर सेवकाई में बहुत सारे लोग आपको दुख देता है, हमें अनजाने अनजाने में उनको मालूम है लोग कर रहे, तो हमको क्या करना है, हर दिन सुबह जब उठते प्रार्थना करें, प्रभु मेरे अंदर प्रेम दो, प्रेम दो उनको प्रेम करने के लिए, उन्हें बहुत गुस्सा से बात किया, उन्होंने प्रेम में किया, पर मुझे मेरे अंदर प्रेम दो, ये परवाह नहीं वो लोग क्या किया मेरे ऊपर, क्या बोला मेरे विरोध, मेरे को कुछ सुनने का भी नहीं है, मेरे को कुछ इंटरेस्ट नहीं है, पर मेरे अंदर प्रेम दो, क्योंकि प्रभु तू मेरा लेखा लेने वाला है, जब मैं तेरे सामने खड़ा रहेंगे, मैं बोल सकते है उस दिन आपको याद है मैंने उसको क्षमा किया, उससे प्रेम किया। अगर प्रेम क्षमा भी मांगो, प्रेम भी करो, उनको भी क्षमा मांगो और कुछ अच्छे चीज करो उनके लिए, कुछ अच्छी चीज उनके लिए करो, आमीन। एक बार प्रभु ने बोला ना ही उसको क्षमा कर, एक काम कर, उसका थोड़ा लोन है उसका ईएमआई भरो। तो मैंने उससे फोन किया, सिस्टर मैं क्षमा मांगता हूँ, और एक चीज प्रभु ने बोला करने के लिए, आपका ये महीने का ईएमआई मैं भरूंगा आपके लिए। हालेलुया। जो पवित्र आत्मा बोलते हैं वैसा करने का है, चलेगा, वो पैसे का थोड़ा नुकसान होगा तो कोई बात नहीं, करो। या बोलो कि आज उनको दावत दो, घर पे लेके आओ खाना, अच्छा खाना खिलाओ उनको। मैन जो आपको कड़वाट से पेश करता है, आपके चुगली करते हैं, आपको निंदा करते हैं, आप उनको घर में लेके आओ, अच्छा खाना खिलाओ। रोमाले में लिखा है, रोमाले 12 में लिखा है, ऐसा करने से आप उनके सर पर कोयला लगता है, चलते हुए कोयला। हमको सबसे प्रेम रखना है, शैतान को हराना है, शैतान जीत जाता है, वो बहुत हंसते है जब हम कड़वाट रखते हैं, एक दूसरे से चुगली करते हैं, इसको जलील करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, शैतान बोलते वाह वाह मेरा जैसा बन गया, ये लोग सब मेरा उनका यीशु जैसा नहीं है, मेरा जैसा है, शैतान का जैसा है, वो सब मेरे बच्चे है। हालेलुया। हमको ये शैतान का बच्चा बनाया या परमेश्वर का, हमको प्रभु जैसा बनाया। हमको सबके साथ कैसा रहना है, मेल मिलाप रखना है। देखो कोई कोई लोग हमारे जिंदगी में क्यों आते हैं, परमेश्वर लेके आता है, हम बोलते नहीं नहीं ये शैतान ही लेके आया इसने मेरा जिंदगी में, इसको शैतान लेके, नहीं शैतान कभी कभी लेके आते हैं, परंतु कभी कभी परमेश्वर वो व्यक्ति को आपके जिंदगी में लेके आए, क्यों, आपको कभी भी सुधारने के लिए ऐसा लोग आते हैं। याकूब का जीवन देखो, याकूब कौन था, अब्राहम का पोता था। हालेलुया। याकूब क्या था, जब वो जन्म हुआ उसका नाम याकूब रखे, याकूब का मतलब धोखा देने वाला, डिसीवर, जेकब वाज कॉल्ड डिसीवर। तो याकूब धोखा देता था, तो क्या किया उसने, एक बार उसके भाई को भी धोखा दिया, भाई को क्या मिलना था, पैलोटा होकर उसको पहला आशीष मिलना था, पैलोटा का आशीष, परंतु याकूब ने उसके ऊपर हड़प कर पिताजी को बोला मैं ईसा हूँ, मैं ईसा हूँ, तेरा बेटा पहला बेटा है, और ईसाक अंधे थे, उसका आंख धुंधला हो गया, बहुत बुजुर्ग थे, वो देख नहीं सकते, हाँ तू ईसा है क्या, हाँ मैं ईसा हूँ, अच्छा मुझे आशीष कर, पापा ये खाओ, ईसा जैसा मैंने खाना बनाया, वो खाना खिलाया और उस पिताजी ने पूरा आशीष याकूब को दिया, वो सोचा ईसा है, ईसा को क्या दिया, आशीष दिया, उसने धोखा दिया, अपने पिताजी को भी धोखा दिया, अपने
वो जब उसका बड़ा भाई को मालूम पड़ा, अरे इसने मेरा आशीष दिया, अरे पापा मेरे लिए आशीष, अरे अभी कोई आशीष नहीं है, अच्छा वो याकूब था, अरे बाप रे अभी तेरे लिए कुछ आशीष नहीं है, ईसो बोला अरे ऐसा क्यों किया, मेरा पूरा आशीष मेरा छोटा भाई लेके गया धोखा करके, मैं इसको छोड़ेगा नहीं, मैं इसको मार डालेगा। उसका माँ सुनता है, माँ बोलते है याकूब जल्दी इधर निकल इधर से, मेरा भाई लबान है वो देश में जाओ, लबान मेरे भाई के साथ रहो। तो याकूब भाग जाते हैं घर से, लबान उसके मामा के साथ जाके रहता है, मामा का दो बेटियां है, तो दो बेटियां वो बेटी से शादी करता है, उधर रहता है। आपको मालूम है लबान कैसा निकला, उसका ससुर वो याकूब से भी बड़ा धोखेदार निकला, वो चार बार याकूब को धोखा दिया। तो परमेश्वर कभी कभी ऐसे लोग को हमारे जिंदगी में लेके आते हैं हमको सुधारने के लिए। तो याकूब देखा रही ये तो मेरे से भी ज्यादा धोखा देता है, हाँ फिर वो बोला चलो मैं यहाँ से निकलता हूँ, पर ये लबान के वजह से ये बदलने लगा। फिर वो खुद परमेश्वर के स्वर्गदूत को मिलता है और परमेश्वर के स्वर्गदूत के साथ बोलते हैं जब तक तुम मुझे आशीष नहीं करते मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। फिर ये स्वर्गदूत जो परमेश्वर के प्रतीक था वो बोलते हैं अभी तेरा नाम याकूब नहीं, अब तेरा नाम इज़राइल होगा, इज़राइल का मतलब राजकुमार। तो वो धोखादार से वो क्या बन गया, राजकुमार कैसा बन गया, लबान जब उसका जिंदगी में आया वो सुधरने लगा। हालेलुया। तो ऐसा है प्रभु का वचन नीति वचन 27:17 में लिखा है एक लोहा दूसरा लोहा को क्या करता है, तेज करता है, धार देता है। इसी तरह कोई लोग हमारे जिंदगी में यूं आते हैं, हम बोलते हैं अरे मैंने इसका सब अच्छा किया, ये मेरा इतना बुरा करते हैं, क्यों ऐसा करते हैं मुझे मालूम नहीं, क्यों मुझे जलील करते हैं, क्यों मुझे चिड़चिड़ करते हैं, ये करते हैं। कोई लोग आपके जिंदगी में आता है, परमेश्वर भेजता है तुमको सुधारने के लिए, हमको सुधारने के लिए, अच्छा हो गया ऐसा लोग आ गया, इसे प्रभु हमें सुधारता है ताकि हम एक दिन यीशु जैसा बनेंगे। हमको क्या रहना है, प्रेम में रहने का, अरे हमको प्रेम में रहने का, प्रेम में काम करने का, प्रेम से रहने का। हाँ नहीं उसे ऐसा बोले मैं उसको छोड़ेगा नहीं, हम भी फिर बुरा हो गया, वो भी बुरा है, हम भी बुरा है, हम उनसे भी बुरा है, क्योंकि प्रभु ने ऐसे लोग हमारे जिंदगी में लेके आया। हमको क्या करना है, प्रेम में रहना है, कोई भी होने दो, पति होने दो, पत्नी होने दो, भाई होने दो, ससुर होने दो, सास होने दो, कोई भी होने दो, हालेलुया हमको प्रेम में रहना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया आमेन। बहुत सारा कहानी में बोल सकते मेरे खुद के जिंदगी में एक एक चीज कैसा प्रभु ने मुझे बदल दिया। हमको प्रेम में रहना है, हमें कोई बहाना नहीं बता सकते, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आमेन। इसे इब्राहिम 12:3 में परमेश्वर लेखक बोलते आ रही यीशु को देखो कितने लोग उसको सताया, कोई उसका दाढ़ी का नोच रहे, उसको थूक रहे, इतना बड़ा सृष्टिकार, और क्रूस में उसको किल्ला लगा रहे उसके हाथ में। हालेलुया तुम परमेश्वर है क्या, नीचे उसका ड्रेस को फाड़ दिया, उसको नंगा लटकाया, फिर भी यीशु क्या कहता है, प्रभु पिता इनको क्षमा कर, वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। यीशु ने क्या गुनाह किया कि उसको ये सब सहना पड़ा, ऐसे लोग से जिसको सृष्टि उनको बनाया, उनको चंगा किया, उनको बरकत दिया, फिर भी ये लोग ने क्या किया, यीशु के ऊपर बहुत जुल्म किया, फिर भी यीशु क्या कहता है, यीशु बोलता है इनको सताएंगे, इनका बातें सुनेगा नहीं, मैं सबको बताएंगे इनके बारे में, नहीं वो ऐसा नहीं किया, उसने क्या किया, प्रभु इन लोगों को क्षमा कर, वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। यीशु ने सबको क्षमा किया, हमको भी सबको क्षमा करना है आमेन। तो कभी कभी परमेश्वर ऐसे लोग हमारे जिंदगी में लेके आते हैं हमको सुधारने के लिए। तो हमको पवित्र आत्मा का मदद लेने का, पवित्र आत्मा मुझे सिखा कैसा प्रेम में रहना है, कैसा मेरे पति के साथ पत्नी के साथ प्रेम में रहना है, सास के साथ ससुर के साथ बहू के साथ दामाद के साथ पड़ोसी के साथ, ऑफिस में जो पॉलिटिक्स के थे उनके साथ कैसा अच्छा रहना है। मुझे याद है मैं जब ऑफिस में एक डिपार्टमेंट में मुझे ट्रांसफर किया, वो डिपार्टमेंट में जब गया दो मेरे ही पोस्ट का कलीग्स मेरे ऊपर पॉलिटिक्स खेलने लगा, और वो सीधा अंदर जाते थे बॉस के ऊपर चापलूसी करके मेरे विरुद्ध बातें करते थे, और वो बॉस मुझे बहुत सताते थे, इनके बातों को सुनकर मुझे सताते थे, मेरे को बहुत काम देते थे, मैं हंस के मैं काम करते गया, प्रेज हालेलुया करके गीत गाकर मैं अपने काम करते थे। आपको मालूम है क्या हुआ, एक दिन परमेश्वर उस बॉस को भी हटा दिया, ये दोनों लोग को दूसरा डिपार्टमेंट में डाला और मुझे उस डिपार्टमेंट का बॉस बड़ा बॉस बना दिया। हालेलुया। जब आप बदला नहीं लेंगे, सबको क्षमा करके सबको आशीष करेंगे, प्रभु आपको बॉस बनाए, सबका ऊपर बॉस बनाएगा, वो डिपार्टमेंट का बड़ा बॉस मैं बन गया। पूरा एक कैबिन प्रभु मुझे दिया, एसी कैबिन, लैपटॉप सब दिया, और मैं उस कैबिन में बहुत सारे प्रार्थना सब हम लोग उधर करते थे। हालेलुया। और रेलवे ऑफिस में छठा मालवे पर, जैसा बीटी स्टेशन का उधर छठा मालवे पर बड़ा से ऑफिस मुझे प्रभु ने दिया। हालेलुया। जब हम क्षमा करते हैं, हम प्रेम में रहते हैं, प्रभु हमको प्रमोशन देते हैं, प्रभु हमें उठाता है।
हालेलुया, ऐसे इसे हमको अमर ऊपर हम कड़वाट में जिए या बेहतर जीवन जिए, हमको बेहतर अच्छा जीवन जीना है, कड़वाट में नहीं जीना है। अभी दो लोग के बारे में प्रभु का वचन जिक्र करता है, एक है नौमी, दूसरा यूसुफ। नौमी कैसा था? नौमी कड़वाहट से भरा हुआ था। नौमी बेथलेम में रहता था, वो यहूदी व्यक्ति था। उसका पति का नाम एलीमेलेक, उसका बच्चों का नाम मैलोन और किलियोन था। अभी बेथलेम में जब ये क्या फैमिन फैमिन बोलेगा तो अकाल पड़ा था, खाना के लिए बांधा था, तो ये माँ पति बच्चे सब क्या किया, बोलो मोहब के देश में गया, अन्य जाति हमें जो मूर्ति पूजा करने वाला, अच्छा वो नहीं जाना था पर वो गए। जब गए तो क्या हो गया, उससे उसका पति मर गया। फिर दो बेटा शादी किया, रूत और ऑर्फा बोल के लड़की से शादी किया, पर थोड़ी देर के बाद दोनों बेटा भी मर गया। तो मोहब में आके तीन लोगों को उसने खो गया, तो इतना उसको गुस्सा है। रूत का 1:20 में लिखा है, वो है वचन, वो कहता है कि ओ मैं मेरा परमेश्वर, वो बहुत कड़वाहट से भर गया परमेश्वर के प्रति। फिर वो क्या किया, वो बेथलेम में वापस गया। जब उधर गया तो सब ये देखो नौमी आ गया, नौमी उसे मुझे नौमी मत बुला, नौमी का मतलब मिठास, मुझे नौमी मत बुलाओ, मैं मिठास नहीं हूँ, मैं मुझे मारा बुला, मारा का मतलब कड़वाहट, कड़वाहट बुलाओ, मेरा जिंदगी में सब कड़वाहट का है। देखो मेरा ये परमेश्वर, ये बड़ा परमेश्वर ने क्या किया मेरा जिंदगी में, मेरा सब कुछ खो गया, मैं पूरा भर के गया मोहब में और खाली होकर आज मैं इस इसराइल देश में आ रहा हूँ। प्रभु ने बहुत जुल्म किया मेरे विरुद्ध। तो कोई लोग को परमेश्वर से गुस्सा है, कोई लोग को मनुष्य से गुस्सा है, हमको किसी से गुस्सा है कड़वाहट नहीं रखने का, सबके साथ प्रेम में रहना है। फिर क्या होगा आशीष, अभी उसी जगह में हम देखें यूसुफ। यूसुफ छोटा जवानी में उसका भाई लोग उसका बदला लेकर उसको खड्डे में डाला, वहां से उसको एक नौकरी की तरह भेज डाला मिडनाइट के हाथ में। वो आ गया इजिप्ट मिस्राइम में, दूर आ गया। उसके पापा उसको बहुत प्रेम करता था, भाई लोग जलन होकर उसको भेज डाला और पापा को बोला तुम्हारा बेटा मर गया, यूसुफ मर गया, अभी कुछ सोचो मत उसके बारे में। यूसुफ जाते हैं उधर पॉटिफर के घर में काम करते हैं, उसका भाई पर उस किधर भी लिखा नहीं गुस्सा था, कड़वाट पे रखा मेरे परमेश्वर क्या किया, ये भाई लोग क्या, किधर भी ऐसा लिखा नहीं, वो कभी भी सबसे प्रेम किया, जाने दो कोई बात नहीं, उन्हें आशीष कर। फिर क्या होता है, पॉटिफर का घर में गया, वो बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत करके काम करता था, फिर भी बॉस उसको बहुत उसको ऊंचा उठाया, और उधर भी उसके पति पॉटिफर का पत्नी क्या करता था, उसको यूसुफ चाहिए था, वो बोला नहीं तू मेरे साथ रिश्ता कर, पर पॉटिफर बोला ये यूसुफ बोला बिल्कुल नहीं, मैं परमेश्वर के बिल्कुल पाप नहीं करेगा, मैं गलत नहीं करेगा, व्यभिचार नहीं करेगा। हालेलुया, तो ये पत्नी ने उसको झूठा इल्जाम लगाकर बोला ये मेरा विरुद्ध उसने गलत किया मेरे ऊपर। फिर पॉटिफर आकर उसको लेकर जेल में डाल देता है, जेल में डालता है। हालेलुया, वो सब ने उसको भूल गया पर परमेश्वर नहीं भूल, फिर भी वो सब पॉटिफर को भी क्षमा किया, उसका पत्नी को भी क्षमा किया, सबको क्षमा किया। पर उसके बाद जेल के बाद परमेश्वर बोलते हैं यूसुफ सच्ची तू इतना अच्छा आदमी है, वो तू कड़वाट से नहीं भरा, ना मेरे प्रति ना तेरे लोगों के प्रति, इसे मैं तुझे अभी उठाने वाला है। एक मिनट में फैरो बुलाते उसको, उसको पूरा शेव करके अच्छा ड्रेस डालते हैं, उसको फैरो के सामने लेके अप्रेश करते हैं। फैरो बोलते आज से तू साधारण व्यक्ति नहीं, तूने मेरा सपना को तर्जुबा किया, अभी से तू मेरा प्रधानमंत्री बनेंगे, मेरा राइट हैंड बनेंगे। जो कड़वाट से नहीं भरता है, जो प्रेम करता है अच्छा रहता है, क्या होते है? प्रभु उनको प्रमोशन देते, उनके जिंदगी में सब अच्छा ही होगा, पैसा आएगा, आशीष आएंगे, बरकत आएंगे, वो सबके लिए एक आशीष का कारण होगा। पर जो कड़वाट से भरता है, हाँ इसको नहीं, जो इसका मैं ऐसा करेगा, इसको ऐसा करेगा, इसके बारे में ऐसा लिखेगा, मीडिया में ऐसा लिखेगा, तो क्या होता है, ऐसे लोग प्रभु नहीं चाहता है। नौमी के तरह चार बार प्रभु को कोसते गया, नहीं प्रभु चाहते हम यूसुफ की तरह बने, प्रेम करने वाला, कड़वाट नहीं, बेहतर, हमको कड़वाट से नहीं रहना, हमको अच्छा जीवन जीना है। तो क्या प्रभु क्या करेंगे, योना ये यूसुफ की तरह हमें बड़ा पद में लेके जाएंगे, हमको बहुत आशीष करेंगे। धन्य है जो नम्र है, वो पृथ्वी का अधिकार बनेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमको यूसुफ की तरह जीना है, नौमी की तरह नहीं जीना है, कुड़कुड़ा के परमेश्वर ने क्या किया, कुछ नहीं किया, अच्छा नहीं किया, ऐसा नहीं बोलना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, फिर हम देखते हैं, हम पढ़ेंगे 15 पढ़ेंगे, 14-15 फिर से पढ़ेंगे जल्दी से, टाइम नहीं है। इब्राहिम 12:14-15 पढ़ेंगे। सबसे हाँ
सबसे मेल मिलाप रखने, पहला। दूसरा, उस पवित्रता के खोजी हो, के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को, कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। यस, उसके बाद क्या? ध्यान से देखते रहो, ध्यान से देखते रहो। क्या देखना है? ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रहे, वंचित रहे, दूर आए। हमें या कोई कड़वी जड़ फूट कर, कड़वी क्या होते है? वो जड़ बनता है। पहला एक छोटा गुस्सा किसी ने आपको बुरा कहा, फिर वो अंदर जाते है, फिर वो ये लेके आते है, वो क्या कड़वाड़ का जड़ आते है, जड़ से फल आते है, बुरा फल, पाप के फल आ जाते है। हालेलुया, यस। तो यहाँ पर क्या लिखा है? हम अनुग्रह से वंचित होते हैं। देखो, जब भी पाप है प्रभु हमें अनुग्रह देते हैं। क्या प्रभु ने हम सबको क्षमा किया है कि नहीं? यस, हम चाहते हैं कि प्रभु हमें क्षमा कर, पर दूसरे लोग जब कुछ भी हमारा विरोध करते हैं, हम उनको अनुग्रह नहीं दिखाते हैं। नहीं, इनको अनुग्रह नहीं दिखाने की, इनको क्षमा नहीं कर। इसे प्रभु बोलते हैं, जैसा तू तेरे अपराधी को क्षमा करेंगे वैसे मैं तुझे क्षमा करूंगा। हमको किसी से कुछ अकाउंट नहीं रखना है, नहीं इसने ऐसा किया नहीं करने का। प्रभु हमको ऊपर इतना अनुग्रह किया, हमारे सारे पाप को क्षमा किया, हम भी दूसरों के पापों को क्षमा करने का। हमको भी कोई लेकर नहीं आया, ये तूने ऐसा किया 10 दिन पहले, तूने ऐसा किया, मैं नहीं छोड़ूंगा। नहीं, सबसे हमको प्रेम रखना है, नहीं तो हम कड़वा का शिकार बनेंगे। विल बी अ विक्टिम, नॉट अ विक्टर। विल बी विक्टिम ऑफ बिटरनेस। वी शुड नॉट बी अ विक्टिम। नो ब्लेसिंग विल कम टू सच पर्सन हु इज अ विक्टिम ऑफ बिटरनेस। पर हम सबसे प्रेम करना है, उस पिताजी से, उस माँ से, उस भाई से, बहन से। कभी भी वो पिताजी मर भी गया, फिर भी वो कड़वा रखे, हाँ उसे ऐसे, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, उसका वजह से मेरा जिंदगी ऐसे। नहीं, वो शैतान का काम है। वो कड़वाहट अंदर जाके बैठा है, वो कैंसर है आपके लिए। वो आपको बार बार तंग करेंगे, तो आप भी वो निकाल कर फेंक दो, ताकि आपका जिंदगी आजादी से आप जी सकते हैं। हालेलुया। देखो, पांच तरह की स्टेप, जब आपको मालूम है आपका पास अनुग्रह, प्रभु बोलते हैं जो क्षमा नहीं करते वो क्या है? वो अनुग्रह से वंचित हो जाते हैं। तो डोंट फॉरगिव, दोस्तों, आर बिटरनेस, दे विल फॉल फ्रॉम द ग्रेस ऑफ गॉड। आमेन। देखो, पांच स्टेप है, हम कैसे लोगों को क्षमा कर सकते हैं। पांच स्टेप, डोंट कर्स इट। पहले हमको श्राप मत दो, अरे ऐसा किया मैं श्राप देता हूँ, उसको श्राप देता हूँ, इससे मुझे ऐसा किया, इसका श्राप हो, उसको श्राप हो, हमको कर्स नहीं करना है। दूसरा, डोंट नर्स इट हर टाइम, अरे मैं ही है जो इतना सता, कितना मेरे को इतना हो रहा है, सब लोग मेरे को सता रहे, मैं कितना अच्छा है सबके साथ, क्यों सब मुझे सता रहा है, क्यों मेरे को ही ऐसा मुश्किल हो गया है। नहीं, हमको पिटी पार्टी नहीं करना है। सब लोग बुला के, मालूम है मेरा जिंदगी में ऐसा हो गया यार, मैं क्या करूं। हमको किसी को श्राप नहीं देना, हमको किसी का उसको रिवाइंड नहीं करना है। हाँ, ऐसा क्या उस दिन ऐसा बोला मुझे, कभी मैं छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं। हमको अपना कैसेट को रिवाइंड नहीं करने के, पालो, हाँ उसको पालो मत, हमें परवरिश मत करो, भूल जाओ। डोंट कर्स इट, डोंट नर्स इट, बट डिस्बर्स इट। डिस्बर्स प्रभु के हाथ में दे दो, प्रभु उन्होंने ऐसे किया कोई बात, मैं तेरे हाथ में देता हूँ, मैं उन्हें क्षमा करता हूँ। जस्ट डिस्बर्स इट, उसको दे दो प्रभु के हाथ में, एंड गॉड विल रिवर्स इट फॉर योर गुड। प्रभु क्या करे, उसको पूरा पलटा करके आपके भलाई के, जैसे यूसुफ को भलाई किया, प्रधानमंत्री बनाया, प्रभु आपको प्रमोशन देंगे। जब मैंने क्षमा किया, प्रभु ने मुझे प्रमोशन देके सुपर बॉस किया, पूरा डिपार्टमेंट का बॉस कर दिया। हालेलुया, हमको सबको क्षमा करना है, सबको आशीष करना है, प्रभु हमको उठाएंगे। धन्य है जो नम्र है, उनको प्रभु का, वो इस पृथ्वी का अधिकारी बनाएंगे। मूसा सबसे नम्र व्यक्ति, वो पृथ्वी का अधिकारी बना। हालेलुया। ये और पांचवा, हमको ये क्या बोलते हैं, कड़वाहट को उखाड़ कर फेंक देना है। और क्या रखना है उसके अंदर? वचन, पवित्र आत्मा में हमको बढ़ना है, उसको रूट रहना है, प्रभु का प्रेम से अपने आप को बढ़ना है। हालेलुया। सो डोंट कर्स इट, श्राप मत दो, डोंट नर्स इट। हम वो अपना कैस को रिवाइंड करके उनके बारे में और सोचने का नहीं, पालना नहीं है। तीसरा, जस्ट डिस्बर्स इट, प्रभु के हाथ में दे दो, जितने लोग आपको कड़वाट किया प्रभु के हाथ में दे दो। चौथा, प्रभु क्या करेगा, गॉड विल रिवर्स इट फॉर योर गुड, प्रभु उसको सब पलटा करके आपके लिए भलाई के लिए उत्पन्न करेंगे, सो यूसुफ के लिए। पांचवा, हमको अच्छे प्रेम से प्रार्थना में, वचन में रूट करने का, अपना आपको जड़ पाने का, तो सब कुछ हमारे लिए अच्छा होगा। आमेन। वो दूसरा, तो पहला वार्निंग क्या था? पहला वार्निंग, आप डोंट गिव अप, और दौड़ में आपको हाफ बेहाल नहीं होना है, आपको दौड़ना है। अपने आप को छोटा मत समझो, आप दौड़ते जाओ, मैं बेहोश मत हो, दौड़ते जाओ, प्रभु है आपके साथ। दूसरा आपको क्या करना, दूसरा वार्निंग क्या था?
तो सब वार्निंग क्या है कि सबके साथ मेल मिलाप में रहो और पवित्रता के पीछे करो। अभी तीसरा चेतावनी क्या है, तीसरा चेतावनी है कि हमारा आत्मिक जीवन को यूं ही लेना के लापरवाही से नहीं जीना है, हमको सोच समझ के जीना है। पढ़ेंगे इब्राहिम 12:16-17 ओके पढ़ेंगे हिब्रू 12:16-17 हमको लापरवाही से नहीं जाए। एक ईसा के बारे में लिखा, याकूब का भाई ईसा के बारे में लिखा है, पढ़िए इब्राहिम 12:16-17 यस ऐसा ना हो कि कोई जन हाँ व्यभिचारी कष्ट नाई अधर्मी हो, ईसा के तरह नाई अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे का हक को बेच डाला। ये क्या है, मैं बताएंगे ओके। और 17 भी पढ़िए, हाँ फिर हम बताएंगे 17। तुम जानते हो हाँ कि बाद में ईसो रोया, अरे मुझे चाहिए, मेरे को फिर से वो हक पहलौठे का हक चाहिए, उसने बेच डाला है अपने छोटा भाई के हाथ में, उसको वापस चाहिए बोला फिर पर नहीं मिला। तो क्या गया, तुम जानते हो हाँ, तो हो हाँ, कि बाद को जब उसने आशीष पानी चाहिए, हाँ ईसो ने कोशिश किया वो वापस तो, आशीष पाने के लिए अयोग्य गिना गया, पर प्रभु ने तू अभी तूने अपने आप को बहुत ऐसे लापरवाही किया, अभी तू अयोग्य है और वापस नहीं मिले। ईसो इतना आंसू बहाया फिर भी उसको खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे ना मिला मन फिराने का अवसर। अभी हम आएंगे उत्पत्ति 25, उधर आपको मालूम पड़ेंगे क्या है उत्पत्ति 25:29-34 Genesis 25:29-34 उत्पत्ति 25:29-34 पढ़ेंगे 29-34 याकूब भोजन के लिए। हाँ, अभी देखो याकूब और ईसो दो भाई था, ईसो पहला भाई, याकूब दूसरा भाई। इज़राइल के लोग पहला बेटा को सब संपत्ति उनको राइट सब कुछ पहलौठे को मिलता है, हालेलुया। पर याकूब ने मुझे चाहिए ये पहलौठे का हक आशीष आत्मिक आशीष सब मुझे चाहिए, ईसो को नहीं मिला मुझे चाहिए। तो उसने क्या किया, एक बार ईसो बहुत भूखा था, वो शिकार करके अंदर आए बहुत भूखा था, और याकूब ने क्या किया, अच्छा डाल बनाया, अच्छा डाल चावल बना के रख रहा था ईसो, जे याकूब अच्छा खाना बनाता था तो बहुत सुगंध आ रहा था। तो ईसो बोला नहीं मेरे को खाना देना, हाँ मुझे खाना दे, नहीं नहीं मैं दूंगा, पहले तेरा पहलौठा का हक मुझे दो, हाँ ले लो मेरे को क्या करना है, मैं मर जाएगी उससे अच्छा तू ले। तो ऐसे ही लापरवाही से अपने आत्मिक आशीष को दे दिया याकूब को, याकूब बोला अच्छा ये ले खाना ले, तो खा लिया हालेलुया। तो पूरा पहलौठा हक किसको मिला, याकूब को। फिर बाद में ईसो बोला रे मुझे चाहिए मुझे, पर उसको नहीं मिला, उसके लापरवाही से वो अपने हक को खो गया। हाँ पढ़ेंगे उत्पत्ति 25:29-34 याकूब भोजन के लिए कुछ डाल पका रहा था और ऐसा मैदान से थका हुआ आया, ऐसा उसका भाई बड़ा भाई मैदान थका हुआ आया था। तब ये सब उसके भाई याकूब से कहा वो जो लाल वस्तु है, हाँ जो लाल वस्तु, वो मसूर डाल का डाल बनाया था, हाँ लाल वस्तु है लेंटिल्स, जो लेंटिल्स बोलते हैं इंग्लिश में, हाँ, उसी लाल वस्तु में मुझे कुछ खिला क्योंकि मैं थका हूँ। इस कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा, एदोम पड़ा उसके नाम। हाँ आगे याकूब ने ईसो से कहा अपने पहलौठा का हक का अधिकार आज मेरे हाथ में बेच डाल। और ये सब उसका बड़ा भाई ने कहा देख मैं तो अभी मरने पर मैं इतना भूखा मैं मर जाएगा, दे दो ना डाल थोड़ा का, तुम जो बनाया खाना पहलौठे का अधिकार चाहिए ले लो, मेरा क्या लाभ हो गया मैं मर जाएगी भूख से, तू ले ले ये हक ले ले। तो उसने क्या किया अपने भाई को अपना हक दे दिया। हाँ 33-34 जल्दी जल्दी
याकूब ने कहा कि मुझसे अभी शपथ खा। हाँ, याकूब ने बोला रे ईसो शपथ खा। सो उसने उससे शपथ खाई। शपथ ईसो बोला शपथ बाबा तेरे को ही पैलोटा का अधिकार मैं दे देता हूँ। और पैलोटा का अधिकार याकूब के हाथ में बेच डाला। इस पर याकूब ने ईसब को रोटी ईसब याकूब के पैलोटा का अधिकार दिया और उसके बदले में क्या दिया ईसब को रोटी और पकाई पका हुआ डाल मसूर की डाल उसको दे दी। आमेन। तो इस तरह लापरवाही किया पायलटों को पूरा परिवार का अधिकार है आत्मिक उन्नति करने के सबको संभालने के आत्मिक उन्नति से अगुवाई करना पड़ता है पर उसे कुछ मसूर डाल खाने के लिए चपाती खाने के लिए उसे क्या किया अपने हाथ को दे दिया याकूब को और वो खाने के लिए इतना भूखा मन कोई लोग क्या होते हैं खाली चमत्कार के लिए करीसे में आते हैं फिर नमस्कार करके जाते हैं उनको नया जन्म वगैरह पायलटा होना कुछ चाहिए नहीं सिर्फ मुझे दुनिया के क्या चाहिए थोड़ी देर के आए मुझे मालूम है एक दो एक महीना पहला एक सिस्टर आए थे हमारे कलिसा में थाने में उसका क्या बोलते हैं उसका जीजा जी जेल में था जैसा वो आया हम लोग बहुत दिन से प्रार्थना है अपोस्तल जी बोलो डरो मत तुम्हारा जीजा जी जेल से आ गया वापस वो बहुत रो के प्रार्थना किया और उसी हफ्ता उसका जीजा जी बहुत मुश्किल था पर वो जेल से बाहर आया उसके बाद वो फोन भी नहीं उठाते कलिसा भी नहीं आते बस चमत्कार मिला नमस्कार अभी उसको दिखाई भी नहीं देते ऐसे बहुत सारे लोग ईसो की तरह है कुछ तो खाने को दो कुछ तो दुनिया की चीजें दे दो कुछ पैसा आने दो मेरे घर में कुछ घर के ये आने दो अगर मेरा गाड़ी आएगा वापस फिर मैं ऐसा करे पर बाद में उन को दिखाई भी नहीं देगा कलिसा भी आएगा ही नहीं चमत्कार के बाद नमस्कार करके निकल जाते हैं ऐसे बहुत सारे लोग ईसो की तरह है आमेन उनको पैलोटा क्या है आत्मिक चीजें ये सब उसको कुछ परवाह नहीं तो लापरवाही से हमारा आत्मिक जीवन जीने का नहीं पूरा दिल से हमको जीना है बहुत लोग अभी ईसो पश्चाताप किया पर वो मन नहीं फिरा है बहुत लोग रिग्रेट करते हैं पर वो रिपेंटेंस नहीं करते हैं वो लोग बोलते अरे मैंने क्या किया पर वो मन फिरा के यीशु के पास नहीं आते पूरा दिल से नहीं आते प्रभु हमारे दिल को जानते हैं तो आत्मिक हमको लापरवाही से नहीं लेने के हमको वचन पढ़ना है प्रार्थना करना है कलिसे में आने जो कुछ प्रभु का वचन में लिखा वो सब हमको करना है अगर हम लापरवाही करेंगे क्या होगा आत्मिक रीति से हम जीरो हो जाएगा तो हमको उस पे नहीं रहे और क्या था कैसा था अगर हम पढ़ेंगे नहीं उत्पत्ति 28:6-9 में लिखा है कि ईसो ने क्या किया वो व्यभिचार में पड़ गया मैन उसके माता पिता को जो पसंद उसको बहुत गुस्सा आया उसका मम्मी पापा ऐसा कि मेरा पैरोटर वो याकूब सब ले लिया उसके भाई से भी गुस्सा था तो उसने ही जाके पहला ही शादी किया था फिर दो और शादी करता है ऐसे लोग के साथ वो शादी करता है जिसको उसका माता पिता को पसंद नहीं है अविश्वासी के साथ जाके शादी करता है तो ऐसा आदमी था ईसो हालेलुया आमेन तो हमको ईसो की तरह नहीं रहना है हमको लापरवाही नहीं करना आत्मिक चीजों के बारे में सो हमने आज क्या सीखा पहला चीज हमको हार नहीं माना है हमको उस दौड़ को पूरा करना है आने वाला महिमा बहुत बड़ा है थोड़ा परेशान जेल लो कोई बात नहीं दूसरा क्या सीखा हमने हमको सबके साथ प्रेम में रहना है पवित्रता का पीछे करना है फिर ही हम प्रभु का चेहरा देख सकते एक दिन तीसरा क्या सीखा हमने हमको हर एक कड़वाहट से दूर रहना है कोई कड़वाहट नहीं रखना है हालेलुया किसी से के साथ सबके साथ प्रेम में रहने के और क्या हमने सीखा है हमको व्यभिचार से दूर रहना है बहुत बड़ा पाप है जो हमारे शरीर से हम करते हैं व्यभिचार से बहुत सारा नुकसान हम बहुत पहुंचाएंगे नीति वचन में लिखा है जो व्यभिचार करते हैं वो अपने समझ निकल गया उसका दिल से समझ ही द पर्सन विदाउट अंडरस्टैंडिंग विल डू एडल्ट्री तो उसका कोई समझ ही नहीं है आमेन तो प्रभु नहीं चाहते कि हम समझ के बाहर जाए हालेलुया प्रेज द लॉर्ड तो प्रभु कभी नहीं चाहते हम व्यभिचार में पड़े वो सबसे बड़ा पाप है हालेलुया और छठवा प्रभु कहते हैं कि हमको आत्मिक चीजों में लापरवाही नहीं करना है प्रेज द लॉर्ड तो हमारे ऊपर है हम कड़वाहट में जिए या हम बेहतर जिए इस वचन से प्रभु की महिमा हो दो जोरदार ताली बजाएंगे यीशु मसीह के लिए